फरवरी के अंत में या मार्च में सरसों की फसल पककर तैयार होने की उम्मीद है। किसानों को बंपर पैदावार की उम्मीद है, लेकिन सरसों के गिरते भावों की चिंता उन्हें सता रही है। किसानों का मानना है कि बंपर पैदावार के बावजूद भाव कम हो रहे हैं, नुकसान निश्चित है। सरसों के लिए मौसम खुलना बहुत जरूरी है। खेतों में पकी खड़ी सरसों की फसल कटाई के लायक हो जाती है। कई दिनों से शीतलहर और बादलों के छाए रहने से किसानों की चिंता बढ़ गई है। सरसों के व्यापारियों का मानना है कि मौसम खुलने पर सरसों की आवक बढ़ेगी और भाव पहले से कम हो जाएंगे। व्यापारियों की माने तो सरसों के भाव आवक और मांग पर काफी ये निर्भर करता है। पिछले दिनों जहां सरसों के भाव 8000 रुपए प्रति क्विंटल से अधिक बने हुए थे, वहीं अब सरसों के भाव घटकर 6000 से ज्यादा हो गए हैं। उतार चढ़ाव का दौर इस बार अप्रैल तक चलने की संभावना है। मई में सरसों के भाव स्थिर होने का अनुमान है। वर्ष 2021 में सरसों के भाव में रिकॉर्ड तेजी से किसानों का भरपूर मुनाफा हुआ था, जहां सरकार का एमएसपी रेट करीब 4000 रुपए प्रति क्विंटल से अधिक रहा, वहीं न्यूनतम समर्थन मूल्य से ज्यादा भाव पर बाजार में वे बिका। जिन किसानों ने सरसों का स्टॉक किया था, उन्हें 9 से 10 हजार रुपए प्रति क्विंटल उन्होंने बेचा। इस बार सरसों की फसल में कीट व अन्य प्रकार नुकसान बहुत कम देखने को मिले हैं। इससे सरसों की बंपर पैदावार होने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। फिर से आ गया है कोरोना, घर पर रहने में ही है सबकी भलाई। अब आपको मेडिकल स्टोर पर लंबी लाइन में नहीं लगना। बिग ब्लिस लेकर आएगा 10 मिनट में आपके घर पर दवाई। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।